हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज मैं आपको आउटगर्ल्स ब्लो ड्राई सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत अच्छा आउटगर्ल्स ब्लो ड्राई होने वाला है आज का। जब तक कि आप वॉश नहीं करते हैं तब तक आपका ब्लो ड्राई चलता है फ्रेंड्स। तो आज बिल्कुल हम टाइट वाला आउटगर्ल्स ब्लो ड्राई करने वाले हैं और जीरो नंबर पेंसिल वाले ब्रश के साथ करेंगे। जो बिल्कुल जीरो नंबर होता है, जो सबसे पतले होते हैं, उससे आज हम टाइट आउटगर्ल्स ब्लो ड्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो आउटगर्ल्स ब्लो ड्राई करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप सेक्शनिंग अच्छे तरीके से करें। तो यहाँ पे हमने क्लासिक 5 सेक्शन निकाले हैं और लेंथ में सबसे एंड्स में बालों में हमने मूव्स अप्लाई किए हैं फ्रेंड्स। तो आउटगर्ल्स ब्लो ड्राई करने के लिए आपको मूव्स अप्लीकेशन करना ही पड़ता है, अगर आप ब्रश के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बिल्कुल खींच खींच के स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं ताकि बिल्कुल बाल स्ट्रेट लगे और हमारे एंड से बाल कर्ली लगे। तो यहाँ पे हमने जीरो नंबर वाले ब्रश लिए हैं, इससे हम आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप टेक्निक को देखें, मैंने सबसे पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई किए, उसके बाद मैंने एंड्स पे आके इनको ऊपर की तरफ राउंड करके मैंने कर्ल्स बनाए और फिर दूसरी बार भी मैंने इनको ओपन किया, फिर दूसरी बार भी मैंने लिया। इससे क्या होगा कि आपके कर्ल्स बिल्कुल हार्ड बनेंगे और इनको होल्ड करके रखना है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग तक चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे हमने जो सेक्शनिंग करे हुए हैं, इसमें हमें तीन सेक्शन निकालना है राइट से, तीन सेक्शन करना है लेफ्ट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड है सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद आपने एंड्स पर आना है, एंड्स पर आपने राउंड करते ऊपर की तरफ जाना है बिल्कुल हार्ड सा। और कोशिश ये करें फ्रेंड्स, बिल्कुल सॉफ्ट ना करें। जितना अगर आप हार्ड करते हैं और होल्ड करके रखते हैं, उतना आपके आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने हैं, उसके बाद आपने एंड्स पे आना है, उसको कर्ल्स बनाने हैं। कर्ल्स बनाते हुए आपने उनको होल्ड करके रखना है, जितना देर आप होल्ड करके रखते हैं काफ़ी आपके लंबे टाइम तक कर्ल्स खुलेंगे नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक कर्ल्स चलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गरम हीट दिए, गरम हीट देने के बाद मैंने कोल्ड हीट दे रहे, कोल्ड हीट से इससे ये होता है कि आपके काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड हो जाएंगे जो गरम है। फिर आप इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक कर्ल्स चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो एक में जो हमारा एक सेक्शनिंग था, इसके अंदर हम चार पांच कर्ल्स को ओपन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, काफ़ी थिकनेस लगेगा, घने लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने भी करने हैं। एक जो ये आपने कर्ल्स बनाए हैं, इसमें कम से कम चार से पाँच कर्ल्स को ओपन करना है, इससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और वैसे अगर आप इनको खोल देंगे तो ये बिल्कुल मर्जिंग नहीं लगेगा और बिल्कुल ऐसी राउंड राउंड लगेगा। तो आपको मर्जिंग करने के लिए इनको ओपन करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जो चीज़ आपने इस तरफ नहीं देखा, दूसरी साइड देखें और समझें मैं कैसे आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई कर रहा हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है, बहुत सारे कर्ल्स नज़र आ रहे हैं। ये कर्ल्स जल्दी से ओपन नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, टिके रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे बिल्कुल बालों को एंड्स पे आया, उसको राउंड करते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पे हम गरम गरम हीट दे रहे हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कर्ल्स बन के आए। और जब भी फ्रेंड्स अगर आप इसको ओपन करते हैं, आप ठंडे ड्राइल्स यूज़ करें उस टाइम। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, अभी मैंने कोल्ड ड्राई की है जैसे कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड हो गया फ्रेंड्स। जब भी हम अगर कर्ल्स भी बना रहे होते हैं टोंग से या प्रेसिंग से या ब्रश के साथ, तो जब तक वो गर्म होता है तब तक वो शेप ले रहा होता है ठंडा होने तक। तो फ्रेंड्स आप जब भी ओपन करें इस पर कोल्ड वाले ड्राई करें, इससे क्या होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड हो जाएगा, जल्दी से ओपन नहीं होएगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं मैं एक में तीन चार ओपन कर रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी आ गया और बहुत सारे कर्ल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट खोल देंगे तो मर्जिंग नहीं लगेगा फ्रेंड्स, तो आपको ओपन करना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं बैक में बहुत सारे कर्ल्स आ चुका है फ्रेंड्स। तो जब भी अगर आप इस तरीके का ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने मूव्स अप्लाई करना है बालों की एंड्स पे और उसके बाद आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने हैं, फिर इनको होल्ड करके रखना है, कर्ल्स बनाने काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। देख सकते हैं बहुत सारा कर्ल्स आ गया है। अभी हमारा ये सिर्फ बैक का भी फ्रंट में ही बनाएंगे और जो टॉप ऑफ द हेड पे उसको ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस टाइप के अगर आपने आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई करना है तो उसी बालों पर करें जो जिसमें कि
स्टेप्स कट हुआ हुआ हो या लेयर में कट हुआ हुआ हो। अगर किसी का वन लेंथ का बाल है उसमें आप इस तरीके का आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई ना करें। जब भी अगर आपने आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई करना है, लेयर में हेयर कट हुआ हुआ, स्टेप्स में बाल कटे हुए हों, तभी आप बनाएं इस तरीके का कर्ल्स, वरना ना बनाएं फ्रेंड्स। क्योंकि वन लेंथ के बालों में सिर्फ नीचे नीचे बनेगा कर्ल्स, बहुत ऊपर तक कर्ल्स नहीं आएगा। तो जैसे हमने पीछे की तरफ बनाए हैं वैसे ही फ्रंट में भी बनाना है हमें। यहाँ पे दो सेक्शनिंग करना है, जो साइड लॉक्स में है यहाँ पे हमें दो सेक्शन में कर्ल्स बनाने हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट ब्लो ड्राई किए, अब यहाँ पे हम कर्ल्स बना रहे हैं। जो हमने राइट में किए थे वही हम लेफ्ट में कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखना है इनको, तभी कर्ल्स हार्ड बनेंगे। और आपने इनमें एक में दो तीन कर्ल्स को ओपन भी करना है। देख सकते हैं एक सेक्शन में मैंने दो से तीन चार, जितना आप ओपन करेंगे उतना वॉल्यूम आएगा फ्रेंड्स। जब भी हम इस तरीके का कर्ल्स करते हैं तो कर्ल्स खुलते नहीं हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे टॉप ऑफ द हेड पे, अगर आपको लगता है यहाँ पे कर्ल्स बनाना चाहिए तो कर्ल्स भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इनको इन में ब्लो ड्राई करें, इससे थोड़ा सा बाउंस भी आ जाएगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे कोई कर्ल्स नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन में ब्लो ड्राई कर रहा हूँ फ्रेंड्स। कैसा लग रहा आउट कर्ल्स ब्लो ड्राई, कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत तरीके का हेयर स्टाइलिंग की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ उस पर, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इनमें ब्लो ड्राई किए हैं, तो जब भी अगर आप इस तरीके का ब्लो ड्राई करें फ्रेंड्स, तो टॉप ऑफ द हेड पे जो बॉक्स सेक्शन होता है उस पर इनमें ही ब्लो ड्राई करें। इससे क्या होगा, बिल्कुल मर्जिंग हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका आउटकर्ल्स ब्लो ड्राई दिखेगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं ब्लो ड्राई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी सारे कर्ल्स आ गए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कर्ल्स है, अगर मैं इसमें फिंगर मारूंगा ना तो बहुत सारे कर्ल्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनल लुक काफ़ी अच्छा आया हुआ है, इस तरीके का ब्लो ड्राई बहुत लंबे टाइम तक खुलते नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स बैक में भी काफ़ी सारा कर्ल्स आ गया है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और एक लाइक कर दें फ्रेंड्स वीडियो को।